अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एतजाज एहसन। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एहसन व्लॉग। उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो भाई, इससे पहले मैंने एक व्लॉगिंग सेटअप डाला था जिसके ऊपर काफ़ी आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया था, अच्छे कॉमेंट्स भी किए थे, लेकिन वो था बिगनर्स के लिए। अब मैं ऐसी गैजेट्स लेके आया हूँ जो आप बिगनर हैं या आप प्रोफेशनल हैं, दोनों के लिए ही बेस्ट होंगे। आप दिन में व्लॉगिंग कर रहे हैं, आप रात में व्लॉगिंग कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है। तो भाई, वीडियो लंबी ना हो, हम जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन से ऐसे सेटअप मौजूद हैं कि जो बिगनर्स और प्रोफेशनल दोनों यूज़ कर सकते हैं और प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, वो आम आदमी भी आराम से ले सकता है। क्योंकि मैंने देखा है आजकल मैं जिधर रहता हूँ ना, लोग मोबाइल लेके ऐसे शुरू हुए होते हैं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन अब कोई बंदा ऐसा होता है जिसके पास मोबाइल का बजट इतना नहीं होता। तो जो नहीं होता, जो आईफोन हैवी वाले नहीं ले सकते, भाई ये सेटअप स्पेशली उनके लिए है। आईफोन वाले भी ले सकते हैं, इससे बड़ा काम आसान हो जाता है। अगर नहीं तो जो बिगनर्स हैं, जो प्रोफेशनल की तरफ जा रहे हैं, उनको इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इससे आगे आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चले हम देखते हैं। तो भाई, सबसे पहले हम आएंगे इस केज की तरफ। इस केज का हम सिनेरियो देख लेते हैं क्या है। कि सबसे पहले इसके साथ हमें एक ट्राईपॉड मिल जाता है और ये केज आपको MT33 आपको कहीं से भी मिल जाएगा। इस केज की प्राइस की अगर बात कर ले तो ये तकरीबन 2600 रुपीज़ में आ जाता है। इसमें आप क्या करते हैं कि आपको अपना मोबाइल लगाना पड़ता है यहाँ पर, और मोबाइल में जल्दी से इसमें एडजस्ट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पर अपने मोबाइल को एडजस्ट कर लें, कुछ ऐसे करके आपका मोबाइल एडजस्ट होगा और भाई इसमें गिरता गुरता नहीं है। इसके अलावा फिर दो ऑप्शन आते हैं, एक ये आपके टेबल के ऊपर ऐसे स्टेबल रह सकता है और एक और इसमें ऑप्शन आता है कि आप इससे भी इसको ज़्यादा खोल के रख सकते हैं। दो ऑप्शन ये इसमें मिल जाते हैं। उसके अलावा एक आती है आपकी जे मेरी की लाइट। प्राइस जो है ना, मैं वो आपको टोटल लास्ट में बताऊंगा कि ये पूरा सेटअप कितने का तैयार हुआ है। आप ये जे मेरी वाली लाइट यहाँ पर जाके लगा लें और यहाँ से आप इसको टाइट कर दें, और उसके बाद आ जाता है आपका बोया का MM1 माइक, जिसको आप यहाँ से यहाँ पर लगा दें चलें, और इसको यहाँ पर टाइट कर दें और इसकी पिन को आप लगा दें भाई इधर, ये यहाँ पर आपने इसकी पिन लगा दी। अब ये आपका एक बिल्कुल नॉर्मल सा व्लॉगिंग सेटअप जो है वो तैयार हो गया है। एक मैं छोटा सा क्लिप भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ लाइट्स को ऑफ करके, और ये देखूंगा कि बगैर लाइट, बगैर इस पूरे फंक्शन के मेरी वीडियो कैसे रिकॉर्ड होती है और इन चीज़ों के साथ मेरी वीडियो जो है वो कैसे रिकॉर्ड होती है। आप लोगों को उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि जब आप एक बंदा यूज़ कर रहा होता है पूरे व्लॉगिंग सेटअप को, तब उसका वीडियो रिजल्ट और ऑडियो रिजल्ट कैसा आता है, और एक जब इसके बगैर यूज़ कर रहा होता है तब उसका जो वीडियो रिजल्ट है वो कैसा आता है। तो अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो कि मैंने मोबाइल को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, और हाथ में पकड़े जैसे व्लॉगिंग करते हैं मैं वैसे कर रहा हूँ। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो माइक की आवाज़ है वो मोबाइल की जेन्युइन कैसी होती है। लाइट मैंने कोई भी ऑन नहीं की हुई, ये सिर्फ जो फ्रंट साइड से शॉप के अंदर लाइट आ रही है, सिर्फ ये वो लाइट है। अब मैं इसको कनेक्ट कर लूँगा, स्टेबिलिटी का भी इसका आपको पता चल रहा होगा जब आप इसको उसमें कन्वर्ट करेंगे केज के अंदर, फिर आपको पता चलेगा कि जो स्टेबिलिटी है वो कैसी है। उसके अलावा आपको पता चल जाएगा कि क्या हमें व्लॉगिंग के लिए सेटअप की ज़रूरत है या नहीं। तो जल्दी से मैं वीडियो को शिफ्ट कर लेता हूँ जिसमें मैं माइक और लाइट को ऑन कर लूँगा और इसको केज में लगा लूँगा, फिर पता चलेगा। तो ये वीडियो में मैं केज में लगा के अपने मोबाइल को माइक लगा के और लाइट ऑन करके वीडियो बना रहा हूँ। अब आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि जो पहले मैंने वीडियो बनाई थी वो कैसी थी। लाइट के ऑपोजिट भी देख ले, मेरा जो वीडियो का रिजल्ट है वो कितना ज़बरदस्त आ रहा है। माइक की आवाज़ आपने मुझे बतानी है कैसी लगी, लाइटिंग कंडीशन के साथ आपको ये वीडियो कैसी लग रही। दूसरी वीडियो आपने देख ली है, अब ये वीडियो देखें। मुझे कॉमेंट करके आपने ज़रूर बताना कि दोनों में से आपको कौन सी वीडियो बेहतर लगी है, पूरे सेटअप के साथ या सेटअप के बगैर। तो ये सेटअप था जो आप लोगों ने देखा है, जो कि केज के साथ था पूरा सेटअप, कुछ इस तरह से ही आता है। और मुझे जो है ये भाई काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और मैं अक्सर कभी व्लॉगिंग के लिए बाहर जाता हूँ तो मैं इसको साथ लेके जाता हूँ। अब मैं आपको एक और दिखा देता हूँ भाई, जिसको इस तरह का केज साथ लेके जाना पसंद नहीं है, उनके लिए भी मैं एक चीज़ लेकर आया था ताकि मैं उनको भी दिखा सकूँ कि आप किस तरह के जो अपने लिए किट है वो आप बना सकते हैं, क्योंकि ये बनानी पड़ती है सब चीज़ें आपको अलग अलग। लेकिन प्राइस की मैं लास्ट में बात करूंगा। तो एक ये मेरे पास आ रहा था जिसके साथ आप अपना मोबाइल वगैरह लगा सकते हैं, जिनको
पसंद नहीं है कि वो अपने साथ पूरी जो सेटअप है उसको लेके जाएं, ऐसे केज बड़ा सा, तो उनके लिए ये सेटअप है और मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। ये आपका जो सेटअप है वो कुछ इस तरह से बन जाता है और आप इसको लेके जा सकते हैं। ये आपका एडजस्टेबल, आप कहीं पर भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं, यूं करके आप वीडियो को शूट कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने मोबाइल को कहीं पर भी स्टैंड कर सकते हैं। इसमें भी आपको दो मोड मिल जाते हैं, एक ये वाला और एक इसका थोड़ा सा मेरा ख्याल है ओपन होता है सिस्टम, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। नहीं, ये ज़्यादा वाला है, तो ये आपका ज़्यादा भी है, आप इसको ज़्यादा ओपन करके भी ऐसे अपने फेस के सामने एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से ऑप्शन बन जाता है। लेकिन अगर मैं केज की बात करूँ ना, तो केज में आपको एक्स्ट्रा माउंट्स मिल जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 माउंट आपको मिल जाती हैं। आप यहाँ पर अपना कैमरा लगा के फ्रंट और बैक दोनों की वीडियो को शूट कर सकते हैं। इसमें आपको ये एडवांटेज मिल जाता है जो इसमें नहीं मिलता। इसके साथ बस आपको ये दो शू यहाँ पे, जैसे मैंने ये माइक लगाया, दो शू और मिल जाते हैं कि आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, एक चीज़ एक यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये कोई दो किट्स थी जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था। मुझे पर्सनली ये पसंद है। इसके ऊपर आप और मज़ीद चीज़ें लगा के भी अपने लिए वीडियोज़ को जो है अपनी एसेसरीज़ को एक्सटेंड कर सकते हैं। आपको कोई भी चीज़ हाथ में पकड़ने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी। जैसे सपोज आप इसके साथ दो लाइटें और लगा लें, एक का मुंह उस तरफ कर दें, एक का इस तरफ कर दें। ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। उसके अलावा अगर प्राइस की बात कर लें, अगर ये दो लाइट्स मैं यहाँ पर ले जाऊँ तो हम लोग केज की बात करते हैं तो 5 to 2600 का ये केज आ जाता है। 3500 की ये लाइट आ जाती है और जो अच्छा ओरिजिनल माइक है वो 4500 का आ जाता है। तो अगर हम इस केज की प्राइस की बात कर लेते हैं, ये चीज़ें हम यहाँ पर लगा देते हैं, तो प्राइस हम जल्दी से प्लस करके आपको मैं बताता हूँ। 2500 to 2600 रुपीज़ का ये केज है। अगर आप ऑनलाइन मंगवाते हैं तो आपको 100 to 119 रुपीज़ जो ऊपर डिलीवरी देनी पड़ेगी। लाइट की बात कर लें तो 3500 रुपीज़ की लाइट है। ओरिजिनल माइक की बात कर लें तो 4500 का है। लोकल जो है वो 2200 to 2300 का मिल जाता है, लेकिन हम ओरिजिनल की बात करेंगे, हम लोग यहाँ पर लगा लेंगे 2500 इसका, प्लस हम लोग कर लेते हैं 3500 लाइट का, प्लस हम लोग कर लेते हैं जी माइक का 4500, जेन्युइन की प्राइस लगाते हैं। तो ये आपको पूरा सेटअप मिल जाता है 10,500 का, जो कि इन दो के, अगर अब हम इसकी बात कर लेते हैं इस वाले, तो तकरीबन सेम ही है। 2500 रुपीस का ये वाला भी जो ट्राईपॉड है, ये मैंने आप लोगों के लिए दोनों ट्राईपॉड की वीडियो इसलिए बना दी ताकि आप लोग जो दोनों चीज़ों में से बेहतर प्रेफर कर रहे हैं ना, कि आप ये चीज़ लगाना चाह रहे हैं या ये चीज़ बनाना चाह रहे हैं, दोनों ही बेस्ट हैं। आप इसको इसके साथ तो ये है ना कि चीज़ें मज़ीद एक्सटेंड कर सकते हैं, इसके साथ आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो आपका इन दोनों के बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लिप्स भी आपने देख लिए थे कि आपको ये चीज़ें लगाने के बाद आपकी वीडियो में क्या क्लियरिटी मिल जाती है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पे जाके भाई सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, क्योंकि अगर आप वो प्रेस करेंगे तो आपको हर मेरी अच्छी नई आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच जाएगी। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।